जा तू ओए, ओए छोड़ेंगे नहीं तेरे को ओए। ओए रुक जाओ चोरो, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ओए भतीजे जल्दी कुछ कर वरना बंदूकनी जी गिर जाएगी। बंदूकनी जी जल्दी से इस साइड कार में कूद जाइए। बूझ भैंस की पूछ, यो तो मुन्नी है, यानी जो भाग निकली वो इसकी पार्टनर शीला थी। इस शीला ने तो मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। मैडम जी जल्दी से अपना मेकअप ठीक कर लीजिए, आज न्यूज चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं ना। अरे भैंस की पूछ, इंटरव्यू आज नहीं कल है, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है। ऐसा मेकअप करवाऊंगी कि बिल्कुल हीरोइन लगूंगी। नाम है मेरा शीला, अंदाज है मेरा शर्मीला, अब मैं करूंगी तेरा मेकअप। हेलो मैडम जी, मेरा नाम पिंकी है जी, मैं पिंकी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ, वही पार्लर जहाँ बड़ी बड़ी हीरोइन मेकअप करवाने आती है। अभी जो पिक्चर आई थी ना गंजे की जेब में कंघी, उस पिक्चर की हीरोइन की हेयर स्टाइल मैंने ही बनाई थी जी। अब देखिए मैडम जी, मैं आपके चेहरे का ऐसा मेकअप करूंगी कि आप देख भी नहीं पाएंगी, मेरा मतलब है आप देखती रह जाएंगी जी। अरे वाह वाह, मैं तुम्हारे पार्लर जरूर आऊंगी। वेलकम मैडम जी, वेलकम। जैसे आपकी लाज से कोई नहीं बच सकता है, वैसे ही मेरे हाथ से हर एक चेहरा खिल उठता है जी। अरे तो फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाओ है? सुनो सुनो फंटोश नगर के फंटोशो, सुनो हम लाए हैं यम्मी कुकीज़। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। मुन्नी मेरा नाम, चोरी मेरा काम। नाम है मेरा शीला, अंदाज है मेरा शर्मीला। पापा टिंकू पिंकू जेंटलमैन एंड लेडीज, सबके लिए लाए हैं हम यम्मी कुकीज। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। कुकीज खाओगे तो हमारी तरह करतब दिखाओगे। नजर यहाँ वहाँ घुमाओ, कोई बकरा ढूंढो। अरे पोर है वो, देख चमचमाती कार में। अरे कहाँ रह गए, कितनी बार कहा है कि कार का दरवाजा खुलते ही आ जाया करो। अरे अरे भाई कोई मदद करो। लगा के खींच लो। मेरी हड्डियों का अंजर बंजर ढीला ढाला हो गया। वाह ये हुई ना बात, इसे कहते हैं माल से भी मोटे और चाल ढाल से भी मोटी आसामी, तो लग जाते हैं काम पे। सुनो फंटोश नगर के फंटोशो, सुनो हम लाए हैं सुनहरा मौका। जीतो लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट और मारो चाका। जो भी जीतेगा हमारा कॉन्टेस्ट सुपर, उसे मिलेगा ये स्पेशल कुकीज का हैम्पर। ये कुकीज लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट में जीतने वालों को दी जाएगी।
और आज के हमारे लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट के पहले कम्पेटिटर है काले सूट वाले बड़े गाड़ी वाले यानी सेठ भरपेट। और दूसरे हैं नंबर वन जासूस यानी मिस्टर बलवंत उर्फ चाचा। ओ जी, मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेलना। मैं मिट्टी में फंस गई और मुझे कोई बाहर निकालो यहाँ से। बंदूकनी जी, आप ठीक तो हैं? रे, और रास्ते पर इतनी मिट्टी कौन फेंक गया है? पता नहीं मैडम जी, पिछले कुछ दिनों से रोज सुबह कोई रास्ते के किनारे ये मिट्टी का ढेर छोड़ जाता है। इसे साफ करते करते तो हमारी कमर में दर्द होने लगा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जोगावर जनरल स्टोर्स। ओए, क्या ये वही जोगावर है? चलो चल के देखते हैं। आइए आइए, क्राइम का पावर, मेरा मतलब है अच्छाई का पावर, बन गया अच्छा आदमी जोगावर। आओ रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो क्राइम मास्टर जोगावर को यो अच्छाई का कीड़ा कहाँ से काट गया? अब क्या कहें बंदूक ने जी, कानून के हाथ और आपकी लात ने मुझे सिखाई दिया कि बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों, सही कहा ना चाचा भतीजा? ओ बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लाला राम से ये दुकान खरीद ली, आज से जोगावर सिर्फ मेहनत की कमाई खाएगा, सिर्फ मेहनत की। ओए फिकर लॉर्ड जी, तेरी मेहनत की कमाई की शुरुआत मैं करवाता हूँ। ओए बोल भतीजे, क्या खरीदेगा जोगावर की दुकान से? चाचू, मुझे एक लॉलीपॉप चाहिए। ओ, जरूर भतीजे, कहाँ रख दिए लॉलीपॉप? ओ कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए लॉलीपॉप? लॉलीपॉप यहाँ सामने वाले डिब्बे में पड़ा है और जोगावर दुकान में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। उसी की दुकान और उसे ही पता नहीं की चीजें कहाँ रखी है। जोगावर अंकल, लॉलीपॉप यहाँ पर है। आ? अरे हाँ, लॉलीपॉप तो यहाँ है। ये लो लॉलीपॉप। पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, बैंक बाहर से बंद, फिर भी मैं बैंक के ओ पल्ला जी, यहाँ कितनी धूल जमी हुई है, लगता है ये जगह बरसों से साफ नहीं हुई है। वही तो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइल ढूंढने के बहाने ऑफिस की सफाई। आपने कुछ कहा पल्ला जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ये कपड़ा लेकर वहाँ की धूल साफ करने की कोशिश करो, तभी तुम्हें वो फाइल मिलेगी। संभालो मुझे पल्ला जी, मैं गिर जाऊंगा। अपना हाथ मेरे आंखों पर से हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो किसी जगह का मैप लग रहा है। ये तो मेरे दादाजी की हैंड राइटिंग है, लगता है ये कोई खजाने तक पहुंचने का मैप है। अब ये खजाना मुझे मिलेगा। ओ पल्ला जी, ओ सपने बाद में देखना, पहले ये मैप देखिए। ओ जी देखो तो, ये मैप किधर का है कुछ समझ में नहीं आता। भतीजे, जरा ये दादाजी का बनाया हुआ मैप देख के ये तो बताओ कि दादाजी ने उस जमाने में खजाना कहाँ छुपाया होगा। ये तो फंटूश नगर का पुराना नक्शा है, आज तो फंटूश नगर इससे बहुत अलग नजर आता है। हाँ, ये वॉच टावर आज भी फंटूश नगर में है, और वॉच टावर के दाईं ओर ये ग्रीन डॉट्स, ये क्या हो सकते हैं? हाँ, वहाँ एक आम का बागीचा है, और इन ग्रीन डॉट्स के बीचों बीच ये गोल्डन डॉट, यानी खजाना उस आम के बागीचे के बीच में है।
वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। चाचू, मैप के हिसाब से तो खजाना यहीं कहीं इन आम के पेड़ों के बीच में ही है। उस तरफ। नहीं नहीं, इस तरफ। उस तरफ। वो खजाने का कुछ पता भी चलेगा या हम घूमते ही रहेंगे। हम कुल्हाड़ी साथ में लाना तो भूल ही गए। चलो अभी के अभी वापस जाकर कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। अगर फिर से मैप में देखकर ये जगह ढूंढनी पड़ी ना तो रात हो जाएगी, इसलिए मैं इस जगह पर ये लकड़ी लगा देता हूँ। इससे हम जल्दी से ये जगह वापस ढूंढ लेंगे।